एयर स्ट्राइक का सबूत मांगकर विपक्ष ने बड़ी गलती कर दी है। क्या लोकसभा चुनाव से पहले मोदी के ट्रैप में फंस गया पूरा विपक्ष? साल 2016 में हुए उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। केंद्र की मोदी सरकार ने जब उस पर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की तो विपक्ष ने उनसे सबूत मांगना शुरू कर दिया। बीजेपी ने इसे खूब भुनाया, जिसका उसे सियासी फायदा भी हुआ। इस बार फिर पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक के बाद वैसा माहौल ही नजर आ रहा है। दरअसल साल 2016 की तरह ही पाकिस्तान में घुसकर आतंक पर चोट करने के लिए मोदी सरकार के सख्त फैसले की हर ओर सराहना हो रही है, लेकिन विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा है। शायद यही वजह है कि विपक्षी दलों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तरह एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस की ओर से कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू और सांसद अजय सिंह भी सवाल उठा चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का हवाला देकर कांग्रेस नेता एयर स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और सीपीआई नेता डी राजा ने भी सवाल खड़े कर दिए। अब जबकि लोकसभा चुनाव करीब है और प्रचार चल रहा है, ऐसे में बीजेपी भी इसे खूब भुना रही है। पार्टी नेता और खुद पीएम मोदी भी मारे गए आतंकियों के आंकड़े पर पूछे जा रहे सवालों को सेना के शौर्य पर शक बताकर रैलियों में भाषण कर रहे हैं और विपक्ष को घेर रहे हैं। कुल मिलाकर पूरा सियासी माहौल उसी तरह से नजर आ रहा है जैसे 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बना था। उस वक्त भी महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी करार दिया था। इसी तरह कांग्रेस के दूसरे सीनियर नेता के अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल उठाए थे। हालांकि मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो तो जारी किया, लेकिन उससे पहले बीजेपी नेताओं ने 2017 में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक का जमकर अपने भाषणों में इस्तेमाल किया। 2016 में हुए 7 राज्यों में चुनावों में पंजाब को छोड़कर सब जगह बीजेपी की सरकार बनी। यानी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिस तरह बीजेपी ने विपक्ष के सवालों को उनकी आलोचना का आधार बनाया था, वैसा ही एयर स्ट्राइक के बाद देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर विपक्ष एक बार फिर से ट्रैप में फंसता नजर आ रहा है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।